दोस्तों आपको पता है कल ना तूफानी बारिश आई थी, इतनी तेज हवा चल रही थी और बारिश भी आई थी। पहले तो हमने देखा था जब इस तरफ से बादल आते हैं जब बारिश आती है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बचपन की जिंदगी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने जमान में रखे। आप जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा से मुस्कुराते रहें। देखिए दोस्तों, आज मेरे साथ वीडियो में कर लीजिए फबिया है और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है घर का। देखिए हमने मशीन भी लगाई है, हमें कपड़े भी धोने और शाम में मैं मतलब जो झाड़ू और बर्तन होती है मैंने अभी तक वो भी नहीं किया, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा मैं काम भी कर लूँगी और मैं आपके साथ वीडियो भी बना लूँगी, मतलब आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ अपना काम। तो आइए हम दोस्तों काम भी स्टार्ट। देखिए दोस्तों हमने सुबह से मशीन लगा ली है ना, इसीलिए देखिए हमारा गंदा हो रहा है। देखे दोस्तों मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मेरे बाथरूम को भी शौक हो रहा है झाड़ू लगाने में। झाड़ू लगा रही, झाड़ू लगा, लेकिन कचरा नहीं पिलाना, बैठे ना बैठो उधर उधर कचरा कैसे बैठे ना, झाड़ू लगाओ तो भी आप झाड़ू में जाते। देखिए दोस्तों हमारे झाड़ू लग चुकी है, तो आइए हम चलते हैं किचन की तरफ, हम बर्तन धो लेते हैं क्योंकि देखें दोपहर के भी बर्तन मतलब दोपहर के खाने के भी होंगे और अगर हमने अभी नहीं धोए धोए तो बहुत ज्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो आइए हम किचन की तरफ। दोस्तों हमें रोज एक ना एक कमेंट जरूर आते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, हमें इसके लिए बहुत तवील सफ़र तय करना पड़ेगा तो तब जाके हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। और जिस दिन हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ तो उस दिन हम एक छोटी सी पार्टी रखेंगे और वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि हम अपनी खुशियाँ आपके साथ अपनी खुशियों में आपको शरीक करते हैं, तो उसी तरह तो दोस्तों हमें हमारे चैनल को मोनेटाइज करने के पीछे आपका हाथ है, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। तो ये चलिए दोस्तों हम हमें बर्तन धोना है तो हम बर्तन धोने के लिए पानी भर लेंगे। दोस्तों आपको पता है कल ना तूफानी बारिश आई थी, इतनी तेज हवा चल रही थी और बारिश भी आई थी। पहले तो हमने देखा था जब इस तरफ से बादल आते हैं जब बारिश आती है, लेकिन कल इधर से बादल आए थे और फिर भी बारिश आई थी और हमारे घर पे तो कलर हो रहा था और हमारे ना मतलब ना पानी आता है, आपको तो पता है हमारी टीन की छत में पानी आता है और हमारा सारा मतलब जो हमने कलर कराया था वो सारा कलर ख़राब हो गया था। और दोस्तों मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है तूफानी बारिश से और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और हमारी तो टीन की छत है, हमें तो बहुत डर लगता है कि हमारी छत उड़ नहीं जाए। और जब हम अपनी टीन की मतलब टीन से ही करने ऊपर चढ़े थे ना, जब हमने देखा था कि लोगों की टीन की छतें उड़ी थी और वो क्या होते हैं उसको डिश नहीं होती छतरी वो भी उड़ रही थी, मैंने खुद देखा था। और हमने खबरों में भी सुना था कि बहुत से वाकयात होते हैं मतलब टीन उड़ जाती है और किसी की छत गिर जाती है अगर जिसके बहुत पुराने घर थे। और आपको पता है हमारा तो बहुत पुराना घर है और देखें दीवारें भी सारी चटक रही हैं बीच में थे, तो दोस्तों मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। दोस्तों मैं एक बात करना तो भूल ही गए कि जिन जिन हमने खबरों में जो सुना था जिन जिन के साथ ये हादसे हुए हैं जिसकी छतें गिरी हैं या टीन की छत हो रही है, तो अल्लाह ताला उनको वो खबर दे। तो चलिए बातें तो बहुत हो गई, बर्तन भी धो लेते हैं। पीछे होके बैठो ना मग्गा हटो, आप यहाँ पे खड़ी हो, यहाँ पे खड़ी हो बैठ, ये जाओ ये बकरी को खिला के आ जाओ आप। देखिए दोस्तों हमारे कितने सारे बर्तन हो रहे हैं, लेकिन आप धोने तो पड़ेंगे ना मेरे को। देखिए दोस्तों आज कपड़े धो रहे हैं, अभी तक
हमने तो स्टार्ट किया नहीं, लेकिन आसिम दादा देखे कपड़े धो रहे हैं। देखे दोस्तों, हमने इनको भी कपड़े पहनाए थे और सफेद कपड़े इन्होंने इतनी जल्दी गंदे भी कर लिए। चिल्लड़ पार्टी मतलब हमारे घर के बच्चों को देखे, ये देखिए, ये अली उस्मान है और ये आसिम रजा और ये फबिया जो मुझे तंग कर रही है बहुत ही ज्यादा। मुन्ना पत्थर पांव पे नहीं गिरा लेना। आसिम आपकी रेलगाड़ी कहाँ गई? आसिम आसिम हमारी मशीन अभी चल रही थी, अभी खुद ही पता नहीं क्या हो गया, रुक गई। तो अब पापा चेक करेंगे जब काम पे से आएंगे तो इसमें क्या मसला है क्या नहीं है। और दोस्तों हम इसको ना एक दो बार पहले भी सही करा चुके हैं, बहुत ख़राब होती है हमारी मशीन, बहुत पुरानी है ना, इसलिए ये बोल रही है पुराना माल निकालो घर से और नया माल लाओ। तो अब हमारे कपड़े तो लग रहा सुबह ही धुलेंगे, क्योंकि अभी पापा रात में ड्यूटी पे से आएंगे, फिर इसको लेके जाएंगे तो सुबह तक के हमारे कपड़े धुलेंगे। अरे देखे दोस्तों, हमारी मशीन चल चुकी है, क्योंकि देखें ये बहुत पुरानी मशीन हो गई है ना, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखें, ये हर जगह से जख्मी हो रही है, देखें इनके अंजर पंजर निकले हैं। अब ये बोल रही है मुझे कबाड़े में दोगे तुम्हारे पास नई मशीन आएगी ना। तो दोस्तों आप दुआ कीजिए कि हमारे पास नई मशीन आ जाए। और देखिए हमारी मशीन बहुत पुरानी है ना, इसकी आवाज़ कितनी तेज़ है, और इसके आगे तो मेरी आवाज़ आपको पता नहीं आ रही होगी। देखिए दोस्तों, हमारा काम ख़त्म हो गया है, तो हमने सोचा हम अपनी बकरियों के बाड़े में आ जाते हैं, आपके साथ अपनी बकरियां शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हमने और बनाती रहे हम, तो दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। और इजाज़त लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।